गुड मॉर्निंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ प्रसन्नचित और मजे कर रहे होंगे। ऑनलाइन स्टडी अड्डा अलावा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम लोग अपने वीडियो में कल जो आपको जहाँ पे छोड़े थे उसी से आगे चलते हैं। कल हमने आपको मल्टी वे ब्रांचिंग का बताया था कि मल्टी वे ब्रांचिंग क्या होता है और उसके लिए हम लोग सी लैंग्वेज में कौन सा स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो हम ये देख रहे थे कि अगर हमें अलग अलग वैल्यूज पे एक्सप्रेशन की अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग काम करने हैं, यानी कि कंट्रोल को अलग अलग स्टेटमेंट पे भेजना है, तो वहां पे हम लोग स्विच केस स्टेटमेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें इसको प्रयोग करेंगे। मान लेते हैं कि हमें दो नंबर इनपुट कराना है, हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें दो नंबर इनपुट कराना है और एक चॉइस इनपुट कराना है, ऑपरेशन चॉइस। अगर यूजर ने ऑपरेटर डाला प्लस तो नंबर को ऐड कर दे, अगर ऑपरेटर डाला माइनस तो क्या करे, सब्ट्रैक्ट कर दे, अगर ऑपरेटर डाला स्टार तो मल्टीप्लाई कर दे, ऑपरेटर डाला स्लैश तो डिवाइड कर दे। यानी कि आपको चॉइस इनपुट कराना है ऑपरेटर का और दो नंबर इनपुट कराना है और जो ऑपरेटर डाला वही ऑपरेशन करके रिजल्ट देना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। राइट अ प्रोग्राम to input two numbers and operator। आपको दो numbers input कराने हैं और एक operator input कराना है। The operator can be एनी अरिथमेटिकल ऑपरेटर, ऑपरेटर कोई भी अरिथमेटिकल ऑपरेटर हो सकता है, अरिथमेटिकल ऑपरेटर हो सकता है। कौन कौन से? प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिविजन हो सकता है, मॉडुलो हो सकता है। तो आपने जो इनपुट किया ऑपरेटर वही ऑपरेशन नंबर के ऊपर करके रिजल्ट दे। इट शुड परफॉर्म द रिक्वायर्ड ऑपरेशन एंड रिटर्न द रिजल्ट। प्रश्न को फिर समझिए, अगर नहीं समझ में आ रहा पहले प्रश्न को समझने का कोशिश करिए उसके बाद करते हैं। दो नंबर इनपुट कराना है। सपोज आपने नंबर इनपुट कराया N1 और N2 में, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 5, 15, 50 जो भी डाला। नंबर किसमें इनपुट कराया? N1 और N2। और आपने एक ऑपरेटर इनपुट कराया O में, ऑपरेटर इनपुट कराया किसमें? अगर यह ऑपरेटर प्लस है तो आपको रिजल्ट कैलकुलेट करना है N1 प्लस N2, अगर प्लस है तो। अगर माइनस है तो क्या कैलकुलेट करना है? N1 माइनस N2। अगर स्टार है तो R इक्वल्स टू N1 मल्टीप्लाइड बाय N2। अगर स्लैश है तो R इक्वल्स टू N1 डिवाइडेड बाय N2। अगर मॉडुलो है तो R equals to N1 modulo N2। और इसके अलावा यूजर ने कुछ भी डाल दिया तो आपको एरर मैसेज आना चाहिए कि गलत आपने ऑपरेटर डाला है, ठीक है ना। अब पहले हम इस प्रश्न को इफ एल्स से करते हैं। किससे करने वाले हैं? इफ एल्स लैडर से करते हैं और फिर उसी प्रोग्राम को हम लोग मल्टीवे ब्रांचिंग यानी कि स्विच केस से करने की कोशिश करेंगे।
और देखेंगे कि दोनों में फर्क क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, इफ एल्स लैडर का, राइट, जिससे कि आपको समझ में आए कि हम जब यूज कर रहे हैं else if ladder तो कैसा बन रहा है और स्विच केस कर रहे तो उसमें क्या फर्क आ रहा है। ये दोनों तरीके हम करके देखते हैं। हैश अकाउंट मैं नहीं लिख रहा हूं, अब सीधे मैं वॉइड पे आ जा रहा हूं। यहां पर हमारा प्रश्न कह रहा था आपको दो नंबर चाहिए इनपुट कराना है, तो उसके लिए हमने इंटीजर टाइप के दो नंबर ले लिए n1 n2, और इसका रिजल्ट भी हमें चाहिए तो हमने r ले लिया। रिजल्ट के लिए क्या लिया, ये तो हो गया नंबर्स के लिए। फिर हमें ऑपरेटर इनपुट कराना है, ऑपरेटर किस टाइप का होगा, कैरेक्टर टाइप का होगा, तो उसके लिए हमने कैरेक्टर टाइप का ले लिया o। ठीक है, इतना क्लियर है कौन सा डेटा किसने लिया ये समझ में आ गया। अब पहला काम तो इनपुट करेंगे, इनपुट फिर प्रोसेसिंग फिर आउटपुट। तो चलिए इनपुट किया जाए, पहले हमने स्क्रीन को साफ किया, हमने मैसेज दिया प्रिंटर एंटर टू नंबर्स, एंटर टू नंबर्स, ये हमारे नंबर्स इनपुट करा लिए। इनपुट कराने के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, वेरी गुड, परसेंट डी, दो नंबर है तो परसेंट डी, दोनों इंटीजर है, पहला लेंगे L1 में और दूसरा लेंगे N2 में। और कर हमने बताया था अच्छी आदत, वेरी गुड, फ्लश एसटीडी, जब भी इनपुट लेंगे उसके तुरंत बाद ये कर लेंगे। इनपुट हो गया, अभी एक इनपुट बाकी है, कौन सा, ऑपरेटर का, तो चलिए उसको भी करा लेते हैं। प्रिंटर एंटर एंड अरिथमेटिकल ऑपरेटर, एंटर एंड अरिथमेटिकल ऑपरेटर, कोई अरिथमेटिकल ऑपरेटर इनपुट करिए। स्कैन एफ किस टाइप का इनपुट है, ये ऑपरेटर किस टाइप का इनपुट है, तो कौन सा, परसेंट सी, वेरी गुड, आपको याद है। और यहां पे किसमें इनपुट करेंगे, ओ में, और अच्छी याद है, फ्लश एसटीडी इन, इनपुट वाला काम तो समाप्त हो गया। अब हमें देखना है, चेक करना है कि इनपुट में ऑपरेटर में क्या दिया आपने, अगर प्लस दिया तो जोड़ना है, माइनस दिया तो घटाना है, एंड सो ऑन। तो इसको इफ एल्स से करना है, तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। इफ ओ इज इक्वल्स टू, हमारा जो ऑपरेटर है वो अगर प्लस है, देखिए प्लस है कैरेक्टर को सिंगल कोट्स में दिया प्लस है, अगर ओ हमारा कैसा है प्लस है तो क्या करना है भाई, दोनों को ऐड करना है, तो हमने लिखा रिजल्ट इज इक्वल्स टू N1 प्लस N2, N1 और N2 को ऐड करके किस में स्टोर कर दिया, R में। क्लियर, समझ में आया। अच्छा, शुरू में हम क्या करते हैं, R को जीरो रख देते हैं जिससे कि इनिशियलाइज रहेगा। अब हम क्या करने वाले हैं, else अगर प्लस नहीं है तो, अगर प्लस नहीं है तो चेक करो क्या माइनस है, तो else if लगा रहे हैं, else if O is equals to minus, प्लस है तो यहां चला जाएगा, प्लस नहीं है तो नीचे आएगा, यहां पे फिर चेक करेगा क्या क्या वो माइनस है, अगर माइनस है तो क्या करना है, घटाना है, तो R बराबर N1 माइनस N2, बट मान लो माइनस भी नहीं प्लस भी नहीं है माइनस भी नहीं है तो एल्स में आ जाएगा। अब इसके एल्स में क्या चेक करना है, मल्टीप्लाई, वेरी गुड, अगर वो हमारा मल्टीप्लाई तो नहीं है,
अगर मल्टीप्लाई है तो क्या करना है, वेरी गुड, आर बराबर एन वन एन टू एन टू, अगर ये भी नहीं है तो चेक करो क्या वो डिवाइड है, एल्स इफ ओ इज इक्वल्स टू ओ इज इक्वल्स टू स्लैश है ना, अगर वो स्लैश है मतलब डिवाइड करना है तो हम क्या लिखे, आर बराबर एन वन डिवाइडेड बाई एन टू, तो केवल क्वेश्चन आएगा रिमाइंडर नहीं आएगा, अगर रिमाइंडर निकालना है तो उसके लिए चेक करो क्या एल्स इफ इट इज मॉडुलो, अगर मॉडुलो है तो क्या करना है, आर बराबर एन वन मॉडुलो एन टू, और अगर यूजर ने इनके अलावा कुछ अन्य डाला चाहे कुछ भी डाला तो एरर आना चाहिए, तो एल्स का हम सीधे सीधे मैसेज प्रिंट कर देना है, प्रिंट एफ इनवैलिड इनपुट या इनवैलिड ऑपरेटर कहने जाना चाहिए, इनवैलिड ऑपरेटर, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें रिजल्ट प्रिंट करना है, तो हमने लिखा प्रिंट एफ रिजल्ट इज परसेंट डी और यहां पे आर की वैल्यू प्रिंट कर दी, ये हो गया हमारा डेल सी एच और ये हो गया हमारा प्रोग्राम एंड। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, अगर आपने वेरिएबल बनाया तो ये मेरा मान लो एन वन है, ये मान लो मेरा एन टू है, ये मान लो मेरा आर है और ये मान लो मेरा ऑपरेटर ओ है, ठीक है, और यहां पे आर हमने इनिशियलाइज कर दिया जीरो से, ठीक है, इतना क्लियर है ना, किसी को सोचने में दिक्कत तो नहीं हो रही। आपसे मांगा दो नंबर, हमने दो नंबर दिए, सपोज 15 और 5 दिया, क्या दिया, तो 15 दिया पहला, 15 इसमें आ गया एन वन में, 5 एन टू में, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, है क्या। अब अगले पे आए, एंटर एन अरिथमेटिकल ऑपरेटर, आपसे एक अरिथमेटिकल ऑपरेटर मांग रहा है, सपोज आपने डाला स्टार, ठीक है, अब यहां से यहां क्या ओ में प्लस है, ओ में चेक करो क्या प्लस है, नहीं, तो एल्स में आएगा, यहां पे क्या लिखा है, इफ ओ इज इक्वल टू माइनस, क्या ओ में माइनस है, नहीं, एल्स में आएगा, क्या इसमें स्टार है, यस, तो ट्रू ब्लॉक में आ गया, यहां पे क्या लिखा है, आर बराबर एन वन मल्टीप्लाइड बाई एन टू, एन वन कितना है 15, एन टू कितना है 5, 15 पंजे 75, तो R की वैल्यू क्या हो गई, अब 75, वेरी गुड। अब यहां से फिर सीधे बाहर आ जाएगा, है ना, और बाहर क्या लिखा है, रिजल्ट इज परसेंट डी, तो रिजल्ट में आ जाएगा, लिखेगा रिजल्ट इज परसेंट डी की जगह R की वैल्यू, R की वैल्यू क्या है, सही आया। मान लेते हैं कि आपने मॉडुलो दिया था, आपने अब की बात मॉडुलो दिया 15, 5 और मॉडुलो, यहां पे पहले से क्या पड़ा है, जीरो, ठीक है ना। अब आप क्या ये प्लस है, नहीं, माइनस है, नहीं, मल्टीप्लाई है, नहीं, डिवाइड है, नहीं, मॉडुलो है, यस, तो अब क्या करेगा, 15 को 5 से भाग दीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो, क्वेश्चन डाटा है 3, 15 को 5 से भाग दे, 5 × 15 रिमाइंडर आता है जीरो। अब गणित में आपको जोड़ना घटाना गुणा भाग बताना पड़ेगा, हैं, मैं धनी हो गया आज जैसे स्टूडेंट था, हैं, चलो तो जीरो आया, रिजल्ट में जीरो हो गया। अब क्या करेंगे, यहां से बाहर आएगा, यहां से यहां पे क्या लिखा है, रिजल्ट इज, सही है ना। अब एक बार हम गलत इनपुट डाल के देख लें, मान लेते 15, 5 और ऑपरेटर में डाला सपोज x,
ऑपरेटर में क्या डाल दिया एच, तो यहां पे क्या आ गया एच। चेक करो, प्लस है नो, माइनस है नो, मल्टीप्लाई है नो, डिवाइड है नो, मॉडुलो है नो, अब कुछ भी नहीं है तो बता क्या एल्स, एल्स का क्या गया इनवैलिड ऑपरेटर, ऑपरेटर इनवैलिड है, एक एरर मैसेज आया, फिर बदले बताएगा रिजल्ट इज जीरो, आर की वैल्यू जीरो। समझ में आया, इज दैट क्लियर? तो ये आपका काम करने का तरीका, पहला तरीका, इसको बोलते हैं इफ एल्स लैडर से सॉल्व किया। ठीक है, जल्दी ठीक है, लेट अस डू द सेम प्रोग्राम यूजिंग स्विच केस और देखिए फर्क क्या है। यहां पे देखिए हम किसकी वैल्यू चेक कर रहे थे इफ एल्स में, वैल्यू किसकी चेक कर रहे थे ऑपरेटर ओ की, है ना, तो यहां पे भी वही चेक करना है, बट यहां पे चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं स्विच, किसकी वैल्यू चेक कर रहे हैं ओ की, स्विच ओ जिसकी वैल्यू चेक कर रहे हैं वही आप, ठीक है ना। अब पहला केस क्या था, अगर प्लस है, क्योंकि कैरेक्टर इसलिए सिंगल कोट्स में देना आवश्यक है, अगर वो ओ की वैल्यू क्या है प्लस है, प्लस है तो क्या करना है जोड़ना है आर बराबर एन वन प्लस, ठीक है ना, और इसके तुरंत बाद क्या लिखना था ब्रेक, ठीक है ना, मतलब R इक्वल टू N1 प्लस N2 कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद बाहर चले जाओ, कहां से बाहर स्विच केस से बाहर। अगला केस माइनस, अगर माइनस है तो क्या करना है R इक्वल टू जो करना है देखो N1 माइनस N2 और उसके बाद ब्रेक, फिर केस मल्टीप्लाई है तो क्या कर रहे हैं आर इक्वल्स टू N1 मल्टीप्लाइड बाय N2 और ब्रेक। इसी तरह से जितने केस हैं, जितने वैल्यूज हो सकते हैं वो सब यहां पे मेंशन कर दो, स्लैश है तो आर इक्वल्स टू N1 डिवाइडेड बाय N2 एंड ब्रेक। और अगर मॉडुलो है तो R बराबर N1 मॉडुलो N2 ब्रेक, ठीक ना। बचा क्या डिफॉल्ट, अगर यूजर ने गलती से कुछ अन इनपुट डाल दिया तो हमने यहां पे मैसेज प्रिंट करा दिया प्रिंटर इनवैलिड ऑपरेटर, ठीक है ना। और ये हो गया हमारा स्विच केस खत्म, और यहां पे हमने रिजल्ट प्रिंट करा दिया प्रिंट है रिजल्ट इज परसेंटेज ऑफ, यहां पर आप ध्यान दे रहे काम वही हो रहा है जो वहां पे था, बट यहां पे सीक्वेंशियली कर रहा है, वो है प्लस है क्या नहीं है उधर बच्चा सीधे नीचे आ जाओ, माइनस है क्या नहीं है नीचे आओ, मल्टीप्लाई है हाँ है इस तरफ आ जाओ, यहां पे क्या लिखा है आर बराबर N1 मल्टीप्लाई बाय N2 और फिर ब्रेक, ब्रेक मतलब बाहर आ जाओ, यहां पे क्या लिखा है, तो काम वही कर रहा है बट थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहा है, सीक्वेंशियल वे से कर रहा है, और जहां कहीं भी सीक्वेंशियल होता है वहां कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, कॉम्प्लेक्सिटी कम है बस, बाकी काम तो वही कर रहा है। समझ में आया, इज दैट क्लियर? किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, ज्वाला नहीं समझ में आया कि डाउट आ गया, ठीक है वेरी गुड, तो जल्दी से इसको नोट कर लिया जाए। चलिए हम लोग मल्टीवे ब्रांचिंग के ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमें एक कैरेक्टर इनपुट कराना है, क्या कराना है एक कैरेक्टर इनपुट कराना है और चेक करके बताना है कि वो वॉवल है या नहीं, वो
वॉवल है कि नहीं। वॉवल क्या होता है आपको पता है? yes. क्या होता है? इंग्लिश के जो अल्फाबेट होते हैं उसमें दो तरह के अल्फाबेट होते हैं, एक होता है वॉवल्स ए टी आई ओ यू और बाकी जो है वो सब कॉन्सोनेंट्स हैं, वो आपके कॉन्सोनेंट कहलाएंगे, राइट। तो आपने कोई भी कैरेक्टर इनपुट कराया तो आपको चेक करके बताना है कि वो वॉवल है या नहीं। तो इसको हम लोग इफ एल्स से भी कर सकते हैं और स्विच केस से भी कर सकते हैं। तो पहले इफ एल्स से करके देखते हैं, फिर उसी को स्विच केस से करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि दोनों में फर्क क्या हो रहा है। क्वेश्चन क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ कैरेक्टर एंड चेक इफ इट इज अ वॉवल। चेक करके बताना है कि वो वॉवल है या नहीं। Write a program to input a character and check if it is a vowel. And check if it is a vowel. अब देखिए, write a program to input a character and check if it is a vowel. अब यहां पे देखिए आप लोग, हमने एक character input कराना है तो हमने एक variable लिया ch। किस टाइप का है? कैरेक्टर टाइप है ना, क्योंकि कैरेक्टर इनपुट करना है कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है। यहां तक समझ में आ गया? अब इनपुट कराएं स्क्रीन साफ, उसके बाद मैसेज दिया प्रिंट एफ एंटर अ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर इनपुट करो। इनपुट करने के लिए स्कैनर परसेंट सी एम परसेंट किसमें इनपुट करेंगे? सी एच में। और अच्छी हैबिट हो गया, इनपुट वाला काम हो गया। अब इसे पहले चेक करें कि ये वॉवल है या नहीं। तो इफ से करना है तो कंडीशन चेक करो, इफ CH is equals to A, अगर CH A है या A के अलावा क्या है E है, तो all लगाने के लिए हम लोग ये लगाते हैं और CH is equals to E और CH is equals to I, very good, I और CH is equals to O or CH is equals to U, ठीक है ना? यही तो होता है, क्या और कुछ होता है? होता है नहीं होता, होता है नहीं होता है। केस सेंसिटिव है तो कैपिटल वाले ए आई ओ नहीं होंगे, स्मॉल ए आई ओ यू है तब तो वॉवल है, और कैपिटल ए आई ओ यू है तो वो क्या है? वो भी तो वॉवल है, उसको भी चेक करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि सी कैसा है? केस सेंसिटिव है, तो हमें उसको भी चेक करना पड़ेगा। और सी एच इज इक्वल्स टू कैपिटल ए, अगर सी एच स्मॉल में लिखे तो लिखने की जरूरत नहीं कैपिटल वाला, बट आप यूजर को जब इनपुट करने के लिए कहा है आपने, ये नहीं, अगर सी एच हम स्मॉल में लिखे कैपिटल में नहीं लिखे, सी एच वेरिएबल का नाम है, उसमें आपने कैपिटल डाला तो कैपिटल स्टोर करेगा, स्मॉल डाला आपने डाला कैसा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अब सी एच के अंदर आपने ये डाला स्मॉल, तब तो कैपिटल चेक करने का जरूरत नहीं, बट आप किसी को रोक लोगे, तुम कहोगे कि स्मॉल में डालो तो ये तो अमित जो है जबरदस्ती उसको कैपिटल में डालेगा तो क्या कर लोगे? करना ही पड़ेगा, समझ में आया? तो कैपिटल ए भी चेक करो, फिर सभी को करना पड़ेगा सी एच इक्वल्स टू और सी एच इज इक्वल्स टू कैपिटल ओ और सी एच इज इक्वल्स टू कैपिटल। अगर इनमें से कोई एक कैरेक्टर है
तो क्या करें, प्रिंट करो, मैं यहां पे जगह ठीक है यहीं पे कर देता हूं प्रिंटर। सी एच या परसेंट सी इज अ वॉवल, परसेंट सी इज अ वॉवल और यहां पे सी एच की वैल्यू प्रिंट कर दे। एल्स अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो क्या प्रिंट करें, प्रिंटर परसेंट सी is not a woman, ठीक है ना। अब मान लेते हैं हम इसको रन कर रहे हैं, मान लेते हैं हम इसको रन कर रहे हैं, ठीक है। आपका एक वेरिएबल बना, ये मान लो सी एच बना और इसमें हमने डाला उदाहरण के लिए P, क्या डाला P, चेक करिए क्या इनमें से कुछ है, नहीं है तो else में आएगा, else में क्या लिखा है, परसेंट सी यानी सी एच पी इज नॉट अ, सही है ना। मान लेते हैं हमने पी ना डाल करके डाला होता कैपिटल आई, तो क्या स्मॉल ए है, नहीं स्मॉल ई है, नहीं स्मॉल आई है, नहीं स्मॉल ओ है, नहीं स्मॉल यू है, नहीं कैपिटल ए है, नहीं कैपिटल ई है, नहीं कैपिटल आई है, यस। अगर एक बार भी यस मिल गया तो आंसर ट्रू हो जाएगा, और ट्रू हो गया तो यहाँ पे क्या है, परसेंट सी यानी कि सी एच की वैल्यू आई इज अ सही हो। अब इसको हम दोबारा से करेंगे किसमें, स्विच केस से, ठीक है। जल्दी से पहले इसको नोट कर लो, ओके। तो जनरल वाली इसको हम लोग अब किससे करेंगे, स्विच केस से। यहां तक तो सेम रहेगा है ना, अब यहां पे हम लोग स्विच लगाएंगे, किसकी वैल्यू चेक करनी है, सी एच की, वेरी गुड। केस ए हो सकता है, ए में क्या करना है, प्रिंट करना है वॉवल है ना। ई होगा तो क्या करना है, प्रिंट करना है वॉवल है। अब देख रहे हैं सब जगह एक ही काम करना है, सब में एक ही प्रिंट काम करना है, क्या प्रिंट करना है वॉवल। तो हम क्या कर रहे हैं, जरा देखिए तरीका देखिए, हम काम को और आसान कर रहे हैं। केस ए, केस ए, केस ई, केस ई, समझ में आ रहा है ना, एक बार स्मॉल एक बार कैपिटल दोनों कर रहे हैं। केस आई, केस कैपिटल आई, केस ओ, केस कैपिटल ओ, केस यू, केस कैपिटल, हो गया सारे। अच्छा सब में क्या करना है, एक ही चीज तो प्रिंट करना है, तो हम क्या लिख रहे हैं, लास्ट में लिख रहे हैं क्या, प्रिंटर परसेंट सी इज अ वॉवल और यहां पे क्या लिखा, सी एच। और डिफॉल्ट अगर इनमें से कुछ नहीं है तो क्या प्रिंट करना है, और इसके बाद ब्रेक लगना मत भूलिएगा, ब्रेक। प्रिंटर परसेंट सी इज अ कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। अब देखिए मान लेते हैं आपने लगा था स्मॉल ई, मान लो ये कंप्लीट हो गया, मान लो आपने डाला था स्मॉल ई, स्विच सी एच अंदर आया, स्मॉल ई यहां मिला, क्या ए है, नहीं है, इस तरफ नहीं जाएगा, ए है कैपिटल ए नहीं है, स्मॉल ई है यस इस तरफ आ गया। अब इस तरफ क्या लिखा है, कुछ नहीं, ब्रेक लगा है नहीं, तो अब ये तब तक नीचे आएगा जब तक ब्रेक न मिल जाए, तब तक नीचे आएगा जब तक ब्रेक न मिल जाए। यहां देखो कहीं ब्रेक है नहीं, यहां देखो यहां पे क्या लिखा है, प्रिंट है, प्रिंट करेगा सी एच इज अवर, उसके बाद ब्रेक बाहर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, कहीं ब्रेक नहीं लगाया तो क्या होगा, लास्ट तक जाएगा उसको प्रिंट करेगा, चूंकि सब जगह एक ही है, एक ही प्रिंट करेगा, है ना।
तो इसको कहते हैं फॉल थ्रू स्विच केस. क्या बोलते हैं? फॉल थ्रू स्विच केस. हम चाहते तो अलग अलग लिखते, यहां पे भी लिखते प्रिंट एफ वॉवेल ब्रेक, प्रिंट एफ वॉवेल ब्रेक, सब जगह यही लिखते. तो हमने क्या किया, इतने सारे मेहनत बचा लिया हमने एक जगह लिख करके. इसको कहते हैं फॉल थ्रू स्विच केस. इतना समझ में आया सबको? वही चीज हमने क्या स्विच केस से किया. काम आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं. आपने वीडियो ध्यान से देखा, इसके लिए धन्यवाद. उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो लाइक अवश्य कीजिए. जो लोग चैनल पे नए हैं वो इसे सब्सक्राइब भी करें. सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन भी दबा दें जिससे कि उनको नए वीडियोस का पता लगता रहे. अगले सेशन में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग बात करेंगे लूपिंग कंस्ट्रक्ट की. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद, जय भारत.